नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो यह है मेरे पास सैमसंग गलेक्सी S20 FE 5G, जो कि दोस्तों काफ़ी पुराना फ़ोन हो चुका है। लॉन्च हुआ इसको काफ़ी टाइम हो गया। तो इस फ़ोन में भी दोस्तों अभी भी अपडेट आ रहे हैं, जिनके बारे में मैं आपसे इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो ये देखिए, इस फ़ोन में फिर से एक नया अपडेट आ चुका है, जो ऊपर ही शो हो रहा है, इस सॉफ्टवेयर अपडेट इज अवेलेबल। तो दोस्तों ये फ़ोन काफ़ी पुराना है सैमसंग की तरफ से, क्योंकि अभी मार्केट में S21 FE इसके बाद आया था, और ए सीरीज के काफ़ी फ़ोन है, बट इस फ़ोन में दोस्तों अभी भी हमें अपडेट मिल रहे हैं। तो दोस्तों इस अपडेट में हमें जो अभी अपडेट हमें मिला है, इसमें हमें क्या मिलता है और क्या ये आपको करना चाहिए अपडेट या नहीं करना चाहिए, और इस अपडेट को करने के बाद आपके फ़ोन में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो को दोस्तों पूरा ध्यान से देखें। तो दोस्तों देखिए, जी जो अपडेट है, जी मैंने दोस्तों अपने फ़ोन में अपडेट तो कर लिया, पर इंस्टॉल करना बाकी है। तो ये देखिए, इसमें दोस्तों हमें जो मिलता है, जिसका साइज है दोस्तों 250 MB, 250 MB का ये अपडेट है, जिसमें आपको सिक्योरिटी पेज लेवल 1 मई का मिलेगा। अभी दोस्तों जून चल रहा है, बट इसमें आपको 1 मई का सिक्योरिटी पेज लेवल मिल चुका है, जो कि आपको इसके अलावा और भी बाकी फ़ोनों में अभी भी देखने को नहीं मिला, बट इसमें देखने को मिल गया हमें। और दोस्तों ये देखिए, इसमें हमें जो भी थोड़े बहुत बग्स वगैरह मिल जो हैं वो फ़ोन में ऑलरेडी रहते हैं अपडेट को लेके, वो भी दोस्तों इसमें फिक्स करने की पूरी कोशिश की गई है। तो क्या ये आपको करना चाहिए? तो दोस्तों मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आपके फ़ोन में जब भी कोई अपडेट आए, तो दोस्तों कंपनी तभी भेजती है जब उस अपडेट की उस फ़ोन को नीड होती है। तो आपके फ़ोन में जब भी कोई अपडेट आता है, आपको ज़रूर से उसे करना चाहिए। हाँ, मैं मानता हूँ जब कोई अपडेट होता है एंड्रॉयड वाला, जैसे कि आपका फ़ोन 12 पे चल रहा है, तो 13 का अपडेट आपको करना है या नहीं करना है, इस तरीके से। तो दोस्तों उसमें कुछ बैटरी इशू होते हो सकते हैं, बट ये छोटे मोटे जो अपडेट होते हैं जी दोस्तों, तभी आते हैं जब आपके फ़ोन को उसकी नीड होती है। दोस्तों ये जो वीडियो आप शूट हो रही है, ये हो रही है सैमसंग के ही S21 FE 5G वाले से। देखिए आप देख सकते हो, ये वीडियो शूट हो रही है S21 FE से, जो कि जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसी का लेटेस्ट वर्जन है S20 FE 5G का, S21 FE 5G। दोस्तों अगर आपके फ़ोन में ये अपडेट शो कर रहा है, तो आप फटाफट से कर लो, ज़्यादा बड़ा नहीं है, 250 MB का है, आसानी से बहुत ही ईजिली हो जाएगा। और इस अपडेट के बाद दोस्तों आपके फ़ोन में अगर कोई दिक्कत आ रही है बैटरी को लेके या किसी और चीज़ को लेके, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो, जो दोस्तों मैं भी ट्राई करके देखूंगा कि मेरे फ़ोन में आ रही है नहीं आ रही है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि दोस्तों मैं इस तरह की छोटी मोटी वीडियो लाता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।